नगर परिषद के अधिकारियों के ध्यान न देने की वजह से शहर के कई हिस्सों में पिछले 4 साल से रास्तों पर हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिस पर कोई उपाय नहीं निकाला गया तो पानी में सड़ रहे कचरे और मलबे की वजह से नागरिकों में बीमारियां फैलने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। अब इस पर नगर परिषद क्या कदम उठाती है और कब नींद से जागती है, ये देखना बाकी है। नगर परिषद दिग्रस के निजी कमीशन नियोजन की वजह से नगर परिषद के अधिकारियों की खामोशी से पिछले 4 साल से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। पूर्व वन मंत्री संजय राठौर ने जलापूर्ति के लिए दिग्रस नगर परिषद के लिए करोड़ों रुपए लाए, लेकिन नगर परिषद की योजना की कमी और किसी भी विकास कार्य में कमीशन की गुणवत्ता के कारण दिग्रस नगर परिषद की समस्याएं जैसी की वैसी ही है। पिछले 4-5 वर्षों से विश्राम गृह के पास की दीवार से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया है और आसपास के क्षेत्र से सड़ रहा मलबा और पानी दीवार पर लौट आया है, जिससे नागरिकों में महामारी का खतरा बढ़ गया है, जिस वजह से सोए हुए नगर परिषद के अधिकारी नागरिकों में बीमारी फैलने से पूर्व ध्यान देंगे कि नहीं, ऐसा सवाल दिग्रस शहर में खड़ा हो गया है। स्वच्छ और सुंदर शहर केवल नगर परिषद के कागजों पर, स्वच्छ और सुंदर शहर के धन तक ही सीमित क्यों है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर।